चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में रशिया के बहाने भारत को घेरने की बड़ी रणनीति उन्होंने बना ली थी। लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी, वो ये था कि अरुणाचल और अक्साई चीन का गलत मैप उन्होंने जारी करवा दिया। भारत की प्रतिक्रिया और जिस रूस को साधने की वो बड़ी कवायद कर रहे हैं, उस रूस ने चीन के इस कदम का विरोध कर दिया। गाहे बगाहे अन्य देशों ने भी इसका विरोध किया। जब उन्हें लगा कि अब भारत को वो नहीं घेर सकते तो किस मुंह से वो भारत आते। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निजी कारणों से और यूक्रेन युद्ध के साथ व्यस्त रहने की स्थिति में भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त भारत को मना लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भारत तो आ रहे हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन से पहले वो भारत के साथ 8 सितंबर को विशेष वार्ता करेंगे। विशेष वार्ता में वो भारत के साथ जिन मुद्दों पर बात करेंगे, अब हम आपको बताते हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस कुछ अन्य लेफ्ट लिबरल गैंग सक्रिय हुआ है 2024 के पहले भारत को अस्थिर करने के लिए, अब भारत ने इस मुद्दे को जो बाइडेन के सामने उठाने का निर्णय कर लिया है। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक जो बाइडेन के सामने ये बात उठाया जाएगा कि भारत अमेरिका के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों देश रणनीतिक सहयोगी हैं। एक बड़े मित्र की भूमिका में दोनों देश दुनिया को राह दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की धरती से ही भारत के खिलाफ कुछ गैंग, कुछ गुट और कुछ संगठन अमेरिका में मिली सहूलियत का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ अमेरिकी सरकार समर्थित संगठन भी हैं और संगठन भी हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब जॉर्ज सोरोस और सिंघम जैसे व्यवसायी जो भारत की धरती को पूरी तरीके से दहलाना चाहते हैं, यहाँ पर सामाजिक समरसता में विष घोलना चाहते हैं, आर्थिक ढांचे को चोट पहुँचाना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, तो फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी। वर्तमान संदर्भों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक शब्दों में उन्हें बड़े प्रेम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ ऐसी दोस्ती जिसमें अमेरिका सरकार के तरफ से तो पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन वहाँ काम करने वाले कुछ निजी संगठन और संस्थाएं जिस तरह से सक्रिय हो रही हैं, उन पर लगाम कसी जाए। खबर ये भी है कि जो बाइडेन उन संस्थाओं पर, विशेषकर जॉर्ज सोरोस जैसे व्यवसायी की गतिविधियों पर अब नियंत्रण और लगाम कसने की बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इजराइल जैसे देश को भी अस्थिर करने की जॉर्ज सोरोस ने कोशिश की थी और इजराइल ने भी इस पर तगड़ा विरोध जताया है, क्योंकि इजराइल जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी की भूमिका में है, और अब अमेरिका चीन को यदि बैलेंस करना चाहता है, उसको नियंत्रित करना चाहता है, तो बगैर भारत के वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बदली हुई परिस्थितियों में भारत को साधने के लिए बड़ी सहूलियतों के साथ, बड़ी रियायत के साथ कुछ अन्य घोषणाएं 8 सितंबर की वार्ता में तो होनी ही हैं। साथ ही साथ अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्रों पर भी अब जो बाइडेन खुलकर बयान भी दे सकते हैं। तो देखा ना आपने भारत की ताकत और भारत की वो हनक जो फिलहाल न सिर्फ यूरोप के देशों में दोस्त पुतिन की नज़र में, बल्कि अमेरिका के भी सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। चुनौती उन लोगों के लिए जो किसी संप्रभु सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी भारत के इस बात से और इस तर्क से अब इत्तेफाक रखने लगा है कि ऐसे संगठनों और संस्थाओं पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर नहीं हो सकते। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 9 और 10 सितंबर के G20 शिखर सम्मेलन पर ही सबकी नज़र है, तो अब आप भूल जाइए
क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के पहले 8 सितंबर को अमेरिका और भारत के बीच जो वार्ता होगी वो बहुत ही रचनात्मक और एक डिसाइसिव टॉक होने वाली है, जिसमें भारत अब अपने खिलाफ देश के बाहर किए जाने वाले षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों पर बड़ी लगाम कस पाने में सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।